महादेव किधर है तू? पहुंच गया ना? नहीं भाई, पुलिस ने मुझे गोली मार दी। मेरा खून बह रहा है, मुझे किसी तरह बचा लो प्लीज भाई। मेरा परिवार है, बच्चा है। परिवार है? इस समय तो किधर है? भाई मुझे छोड़ना मत। बोलो। उसका फोन सिग्नल सालेम रूट पर दिखा रहा है, तुम उसे हाईवे से फॉलो करो। मैं बताऊंगा कि इसके बाद क्या करना है। वो मर गया है तो फिर अपना काम खत्म। उसको मारने का क्रेडिट हमारी टीम को मिलना चाहिए, ठीक है? चलो अब जाओ। महादेव का फोन आ रहा है। मैं देख कर आता हूँ, शायद वो बाहर गए। फोन उठाइए वरना कट जाएगा। मैं उठाऊँ? हाँ उठाइए ना। ए महादेव किधर है तू? तेरे से बात करते टाइम फोन कट गया, फिर तेरा फोन ऑफ ना ब्रीच हो गया, उसके बाद तूने फोन नहीं उठाया। अभी किधर है तू? क्या हुआ तेरे साथ? मैं ट्रेन में बेहोश हो गया था। प्लीज मुझे बचा लो भाई। क्या रे, तूने कभी बताया नहीं कि तेरी फैमिली है? और मुझसे ये क्यों नहीं बताया कि तू शादीशुदा है? मैं इंसान नहीं अगर इस टाइम तेरा साथ छोड़ दूं। तू बिल्कुल फिकर मत कर, पर है कहाँ तू? मुझे मैप में इरोड के पास सुंदरबन जंगल दिखाई दे रहा है। क्या कहा, सुंदरबन जंगल? हे तू फिकर मत कर, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है जिसके साथ जमीन का सौदा किया था। वहाँ आस पास जोशी गेस्ट हाउस होगा, वहाँ जा और उसके मालिक से मिल। उसको मेरा नाम बताना, बात करवा मेरी उससे। लेकिन भाई बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर है।
मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और गोली बाहर निकलवानी पड़ेगी, उसके बाद ही दर्द से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, एक काम कर, किसी भी आसपास के हॉस्पिटल में तू अभी के अभी जाकर एडमिट हो जा और मुझे फोन कर, मैं कुछ न कुछ करूंगा तेरे लिए। ठीक है भाई। कहाँ हो तुम? सेलम के रास्ते पर हूँ, ईरोड की तरफ जा रहा हूँ सर। ईरोड से पहले एक जगह है कट्टमनायका पलयम, वहाँ आसपास के सभी हॉस्पिटल में ढूंढो, मुझे पता चला है कि वो उसी इलाके में कहीं घूम रहा है। ओके सर। उस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो, हर हॉस्पिटल में अच्छी तरह ढूंढना। ओके सर। सर, सर, इतनी रात गए कौन है? तुम यहीं रुको। हाँ, कोई सर भी मुड़वा ले तो हमारी तेज नजरों से नहीं बच सकता है, और इसे लगता है कि खाली मुझ मुड़वा कर ये हमारी नजरों को धोखा दे देगा। उसे नींद में उठाकर पकड़ने से अच्छा है स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन देकर बेहोश कर दो, फिर बाकी पुलिस स्टेशन में देख लेंगे। ए महा, तुम कहाँ हो भाई? सब गड़बड़ हो गई रवि, मैं कहीं फंस गया हूँ, पुलिस मुझे एनकाउंटर करना चाहती है। मेरा शक सही निकला, इसलिए मैं तुम्हारा फोन बार बार ट्राई कर रहा था, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया और पेमेंट ना मिलने की वजह से हमारे लोग अब तुम पर शक करने लगे हैं। मैं रामचंद्रन के गेस्ट हाउस पर आया था और मुझे यहाँ इंस्पेक्टर देवराज दिखा। ये तो क्या कह रहे हैं? देख, इनकी कुछ खिचड़ी पक रही है, इसलिए यहाँ मत आना। रामचंद्रन ने मुझे एक जगह जाने को कहा था, मैं वहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। ए, तुम खतरे में पड़ जाओगे दोस्त, वो इंस्पेक्टर रामचंद्रन के साथ है, ये लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहां से जल्दी से निकल, इससे पहले कि तू पकड़ा जाए।
Hey! ए रुक, तेरी हिम्मत कैसे हुई फिर से मेरे घर आने की? रुक, तूने हमारे मालिक को मारा। जाएगा बच के। बच के नहीं जा सकता तू। ए, रुक। ए, रुक। तुझे छोड़ेंगे नहीं आज। तू क्या? रुक जा। ए, 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 ए,